नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा जिला से हम विशेष कवरेज लेकर आ रहे हैं। बिहार में आज बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दोनों मुख्यमंत्रियों ने आज महत्वपूर्ण बैठक सभी मंत्री सभी पदाधिकारियों के साथ किया है। दरभंगा जिला में आप बता दें कि आज सचिव आपदा प्रबंधन ने राहत सामग्री पॉलिथीन सीट्स का दर निर्धारण एवं जिले में उपलब्ध नाव नाविकों का भुगतान, तटबंधों पर कटाव निरोधक कार्य, तटबंधों का निरीक्षण हेतु स्थानीय श्रमिकों की प्रतिनियुक्ति, एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम की तैनाती, मानव दवा पशु दवा एवं पशु चारा की उपलब्धता, सामुदायिक कीचड़ की तैयारी, अनुग्रह अनुदान का 70% भुगतान, संपूर्ति पोर्टल पर संभावित बाढ़ प्रभावित परिवारों की सूची का अद्यतीकरण, गृह क्षति मृत पशुओं के लिए अनुग्रह अनुदान का 70% भुगतान, शौचालय चापाकल की व्यवस्था, आश्रय स्थल शरण स्थली पर की गई तैयारी, विगत वर्ष बाढ़ क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मति से संबंधित विस्तृत जानकारी पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दी गई है। कृषि विभाग के सचिव ने विगत वर्ष के फसल क्षति के लिए अनसंचित संचित क्षेत्र के फसल क्षति मुआवजा राशि का 100% भुगतान, आकस्मिक फसल योजना डीजल अनुदान, बाढ़ में रह गए प्रति खेत के लिए अनुदान राशि का भुगतान की स्थिति से अवगत कराया है। सचिव जल संसाधन विभाग द्वारा नदियों को पुनर्जीवित करने, नदियों को जोड़ने, नदियों में गाद हटवाने, नदियों के पुल पुलियों के भेंट की सफाई करवाने, भेंट उसके बाद तटबंधों की मरम्मति एवं कटाव निरोधक कार्य की तैयारी, तटबंधों की निगरानी हेतु स्थानीय श्रमिकों की व्यवस्था से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। सचिव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा चापाकल की मरम्मति, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में चापाकल एवं शौचालय की व्यवस्था, सूखाग्रस्त क्षेत्र में पेयजल हेतु टैंकर की व्यवस्था से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि तटबंधों का संयुक्त निरीक्षण प्रशासनिक पदाधिकारी एवं तकनीकी पदाधिकारी द्वारा किया गया है। एसडीआरएफ के आवासन की व्यवस्था के लिए स्थल चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा गया है। बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सहित प्रमंडलीय आयुक्त भी मौजूद रहे हैं। 13 जून से पूर्णिया से बिहार के पूर्णिया से शुरुआत होगा मानसून का। सभी पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक, जिला अधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित रहे हैं। दरभंगा NIC से आयुक्त दरभंगा प्रमंडल श्री मनीष कुमार, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला प्रक्षेत्र ललन मोहन प्रसाद, जिलाधिकारी राजीव रोशन, वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार, आयुक्त से सचिव देवेंद्र प्रसाद तिवारी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उपनिदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी आपदा प्रबंधन सत्यम सहाय एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका से पूरे मिथिला में हाहाकार मचा रहता है, सबसे बड़ी बात बता दें कि कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में जहां 6 महीने पानी भरा रहता है और प्रत्येक वर्ष बहुत सारे लोगों को जान माल का नुकसान होता है, बहुत सारे लोग बह जाते हैं और ऐसे में बहुत सारे लोगों तक नाव ठीक से नहीं पहुंच पाता है, तो इस वर्ष इस बैठक के बाद बाढ़ के लिए क्या तैयारी है वो आने वाले दिनों में होगा। देखिए पूरा कवरेज, सब्सक्राइब शेयर इस चैनल को जरूर कीजिएगा। इंटरव्यू सुनाते हैं राजीव रोशन, दरभंगा के DM हैं। बाढ़ पूर्व तैयारी की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और जिलों में जो बाढ़ पूर्व तैयारी है उसके सभी पहलुओं पर जानकारी दी गई है और आवश्यक निर्देश दिए गए। जो एरिया बाढ़ से अफेक्टेड है उन लोगों को क्या कुछ कहेंगे, क्या तैयारी है, कैसा वो लोग करें? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मैं जागरूक रहने के लिए अनुरोध करूँगा, आह्वान करूँगा। साथ ही जो पूर्व तैयारी में उन्हें बरतना चाहिए आवश्यक सावधानी, जैसे कि इकट्ठा वगैरह में लोग नहीं जाएँ, नदी में बच्चों का विशेष ध्यान रखें ताकि कोई घटना दुर्घटना नहीं हो। साथ ही जो बाकी सारी तैयारी रहती है वो उनको करके रहना चाहिए। जो अगर तटबंध के इलाके के क्षेत्र में लोग हैं वो लगातार नज़र रखें, कंसस रहें, पानी का जब जो जलस्तर में वृद्धि होती है उसके संदर्भ में कोई जानकारी हो तो अविलंब जो हमारा कंट्रोल रूम है उस पर वो सूचित करें और हम लोग अकॉर्डिंगली सारी व्यवस्था करेंगे। ऐसा भी सर, बाढ़ जिस क्षेत्र में आती है वहाँ एक राशि मिलती है बाढ़ इफेक्टेड एरिया को, वो राशि महंगाई को देखते हुए बढ़ाई गई या वही है? GR की राशि दी गई है, उसके बढ़ाने के संबंध में अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसके लिए जो भी लोग हैं उनका खाता हो, आधार कार्ड अपडेट करने का काम हो और जितने भी लोग हैं वो अपडेशन का काम प्रारंभ हो गया है। मैं ये भी सब लोगों को बताना चाहूँगा कि जो लोग उसमें से अब जीवित नहीं हैं तो एक तो उनको हटाने का काम होगा, दूसरा है कि अगर कोई छूट गए हैं तो उनको जोड़ने का भी काम इस समय में होगा। दरभंगा के तमाम जो है जल संसाधन विभाग के द्वारा आक्राम स्थलों को देखते हुए उसके हिसाब से कार्य किया गया है। जहाँ भी आवश्यकता थी, जहाँ भी नदी का प्रवाह इस प्रकार का था कि उसे मजबूत करने की जरूरत थी तो उसके हिसाब से तकनीकी रूप से कार्य किया गया है।
तैयारी भी इस प्रकार से सर राज्य के जितने भी शहर और नगर निकाय हैं उसमें संभावित जल जमाव की स्थिति से उत्पन्न से निपटने के लिए कौशल।